के आ जाती है तो मैं उसको उसकी माँ के जरिए ठीक करवाऊंगा। उसकी माँ जो है ना वो ज्यादा होम मिनिस्ट्री में बेटियों को माँ ज्यादा सपोर्ट करती है और बेटों को बाप संभालता है। हमारे यहाँ कम अज कम मेरे घराने में ऐसा है, हमारे यहाँ तो उल्टा होता है। हमारे यहाँ मेरे घराने में मतलब ऐसा होता है। लेकिन बेटा एक आपसे एक रिक्वेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा मोहब्बत के साथ और एहतराम के साथ, कि इसके साथ साथ जैसे आप ये एक प्रोग्राम को दिलचस्प बनाने के लिए हम सवाल डालते हैं ताकि कोई इससे हमारा किसी की दिल आजारी नहीं होती। हाँ, किसको ऑफेंड करने की, जनरल क्वेश्चन होता है। एक तो जनरल ही है और मैं समझता हूँ कि इस तरह प्रोग्राम में कुछ दिलचस्पी आती है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ आप कुछ इस्लामी सवाल का भी सिलसिला शुरू करें। पता है वो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है उसके साथ, मैं कर तो दूं लेकिन वो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। ये भी तो फिर हैंडल करना मुश्किल है, कोई बात आ गई कि तुमने ये कहां से लाए। एग्जैक्टली, और फिर आप हर चीज का हवाला कर देना और वो सब मुश्किल हो जाता है। सब मेरे हम सब को तो ऐसा करो बेटा, अगर इस्लामी नहीं कर सकते हो तो इक्तिबासात और अकवाल जरी से कोई अच्छे अच्छे सवाल अपने डायरेक्टर साहब से कहिए कि वो इंशाल्लाह ताला आपको जरूर सवाल बना के देंगे। इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है, आपकी टीम को, टेलीविजन को मेरी तरफ से दुआएं और सलाम। थैंक यू, इसी तरह अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश करो जी, इंशाल्लाह खुश रहो। थैंक यू सो मच फॉर कॉल, थैंक यू। हाँ जी, लेट्स कम बैक टू बाइपोलर। मैं समझाना चाह रहा था कि हम किस तरह हमें पता चलेगा कि जी बाइपोलर है। जिंदगी में सिर्फ एक बार, वंस इन अ लाइफ टाइम, एक ऐसा एपिसोड हो जिसमें इंसान इंतहा से ज़्यादा खुश रहे, अच्छा, उसकी नींद कम हो जाए, अच्छा, उसकी एनर्जी लेवल बेइंतहा बढ़ जाए, एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक आर्टिस्टिक काम में इंटरेस्ट लेने लगे, रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो करने लगे, जिस तरह गैम्बलिंग हो गई, ड्रग्स हो गए, सेक्स हो गया, कार रेसिंग हो गई। इन अलामतों में से अगर कोई 3 अलामत मौजूद है एक हफ्ते तक तो हम ये कह सकते हैं could be the happy period of that person too, could be, but वो happiness एक जो there is a word which is known as euphoria, which is excessive happiness, okay, उसके साथ साथ euphoria के साथ साथ बहुत बातें करना, बेइंतहा productive हो जाना, नींद नहीं आना, बहुत optimism आ जाना, एयरलाइंस की टिकट्स खरीद लेना, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कर लेना, दीज आर डेंजरस साइंस। बट द फर्स्ट एंड द मोस्ट, की टिकट्स कहीं जाने के लिए खरीदेगा ना, सपोज करें कि मैंने बैठे बैठे अंटार्कटिका के लिए टिकट ले ली, अल्लाह मियां, तो दैट वुड बी एन अलार्मिंग थिंग कि जो है ये क्या हुआ है। सो एनी 3 ऑफ देम, और अगर इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ाहट मौजूद है तो 4 चीजें मौजूद हो एक हफ्ते तक, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक मेनिया का फेज था, मैनिक फेज। अच्छा। तो जब भी कोई पेशेंट आता है हमारे पास और ये कहते हैं जी हम बहुत सैड फील कर रहे हैं, तो हमें ये ट्रेनिंग होती है कि उनको ये कहें, पूछें कि क्या जिंदगी में कभी ये फेज तो नहीं आया था जिसमें ये 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 ये, ये बातें हुई थी। वंस इन दैट पर्सन, एक दफा पूरी जिंदगी में एक दफा कभी ऐसा फेज जिसमें एक हफ्ते तक मुसलसल वो। अच्छा, मुझे एक बात बताए, सिर्फ एक दफा आया और फिर दोबारा कभी नहीं आया तो मींस इट्स ओवर, इजंट इट? नॉट नेसेसरली, अगर एक दफा आया है तो हो सकता है दूसरी बार भी आए। अच्छा। और अगर ट्रीटमेंट नहीं की गई तो ये देखा जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती, मतलब जल्दी जल्दी होने लगते हैं। अच्छा। ये फेजेस, तो जब हम एंटी डिप्रेसेंट किसी को प्रिस्क्राइब करें, जो कि अगर कोई हमें कह रहा है कि हम डिप्रेस्ड हैं, तो हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि फैमिली में कोई बाइपोलर डिसऑर्डर की हिस्ट्री तो नहीं है, पहले पेशेंट को कभी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है जो हमें पता ना हो, नज़रों से गुजर गया हो, प्लस पेशेंट कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे। अच्छा। जिसकी वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल कैसा है। उसके अलावा कुछ 2 एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसे हैं जिससे मेनिया में पेशेंट जा सकता है। अच्छा, हम डिप्रेशन के खुद ही ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो सकता है, तो पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं और अचानक से जो है वो ऊपर की तरफ मेनियाक हो गया, मतलब तो, उसको मेनियाक कहना इज द राइट टर्म। यूफोरिया जो एक टर्म है वो तो मैंने बहुत लोगों को वैसे ही देखा है कि एट टाइम्स दे आर यूफोरिक, बट वो एक छोटा सा फेज होता है इनके ऊपर, इट वुड नॉट लास्ट फॉर वीक, नॉट एग्जैक्टली रिलेटिंग टू एनी रीजन, वो वैसे ही होता है इनके ऊपर, एंड देन दे फाइन विद इट, एंड देन देयर आर सम पीपल हु आर जनरली थोड़े से हाई,
तो बट दैट वन वीक विथ ऑल द अदर सिम्टम्स तो फिर हम कहेंगे कि मैनिक है. ओके अच्छा जी एक कॉल हमारे पास अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब. कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यार. आपका जो फनी क्वेश्चन है, इफ यू वांट अ फनी आंसर देन आई कैन गिव यू अ फनी आंसर. गिव मी अ फनी आंसर फर्स्ट. भाई अगर वो अपने खर्चे पे पिएगी तो ठीक कर लेंगे. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है अगर वो अपना खर्चा करके जो महंगी सिगरेट पी लिया जो भी पी ले तो पीती रहे हमेशा. एनीवे बट इन रियल लाइफ आई विल नॉट डू इट. इन योर रियल लाइफ आप उसे शादी नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज़ वो स्मोक कर रही है? क्योंकि आई नेवर स्मोक. मैंने खुद भी कभी सिगरेट किया नहीं. इवन आई डिडंट टच इट. तो एक स्ट्रांग डिसलाइकिंग है ना एक तरह चीज की तरह. बिल्कुल स्ट्रांग डिसलाइकिंग है. और ठीक है अगर इससे कोई कर भी सकता है. असल में मसला है कि आजकल वैसे ही बाकी रुझान ज्यादा बढ़ गया है. डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएंगे. डॉक्टर डील कर रहे हैं बहुत से लोग. डॉक्टर माम साहब को मैं काफी अरसे से वॉच कर रहा हूँ. माशाल्लाह इज अ वेरी गुड. मतलब बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और अपनी बिल्कुल कोई हैंकी मैकी नहीं करती. स्ट्रेट बात करते हैं. इनकी सबसे बड़ी खूबी है. अच्छा डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये. डॉक्टर साहब आपके यहाँ मुख्तलिफ फैमिलीज आ रही है जो आजकल हम लोग बहुत सो कॉल्ड हम लोग जो मतलब रिच फैमिलीज हैं और उनको पता कुछ नहीं होता. बच्चों को बे इंतहा पैसा दिया हुआ है. गाड़ियां दी हुई हैं. दे आर रनिंग आफ्टर मतलब चेस कर रहे हैं ये कर रहे हैं जो मीनिएटिज्म आ चुका है. मैं सवाल डॉक्टर साहब ये कि हाउ मच इज अवर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्स फॉर दीज थिंग्स. क्योंकि अगर आपका बच्चा या आपका बेटा या बेटी कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी आपको नजर आ रही है तो आप उसको उस तरीके से क्यों नहीं देख रहे कि वो मेंटल हेल्थ उसकी डिसऑर्डर है मेंटल डिसऑर्डर है. और हम क्या अपनी मसरूफियात में इतने फंस चुके हैं कि हम बच्चों पर तवज्जो नहीं देते और जब हम बहुत आगे वो निकल चुके हैं तो इट विल बी अ वेरी लेट टाइम. तो व्हाट यू विल एडवाइस फॉर द पेरेंट्स टू वॉच देयर चिल्ड्रन. प्रैक्टिस नहीं करते. ठीक है ठीक है. मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ. उनको ऑलमोस्ट 6-7 months से सीवियर डिप्रेशन है और एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं. वो अभी तो फिर चेंज किया है सेफिलेक्स और एलिप के नाम से भी एक माह से ले रहे हैं. लेकिन ये कि वो ठीक नहीं हो रहे. बहुत सीवियर उनको कन्फ्यूजन रहती है और सीवियर हेडेक है. तो वो अभी ये पता नहीं ये मेडिसिन का रिएक्शन है यहाँ उनको छोड़नी चाहिए या लेनी चाहिए. साहब कहते हैं कि एंटी डिप्रेशन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. आई डोंट नो. लेकिन उनका उनके डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं जा रहे ना मिसेस मासा. नहीं जा रहे नहीं जा रहे. तो फिर तो ही नीड्स टू यूजुअली हम ये कहते हैं कि अगर 12 वीक्स तक हमने दवा दी है और सिम्टम्स नहीं जा रहे तो दवा चेंज करें. जी उनके डॉक्टर मेडिसिन चेंज हुई है. पहले प्रोक्सिलिन लेते थे वो 4-5 months के बाद चेंज हुई है. अभी सेफिलेक्स ले रहे हैं. अभी उसको भी ऑलमोस्ट 1 month हो गया है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा. उनके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इनको सीवियर हेडेक है और डिसीजन नहीं कर सकते. कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा होती है हर चीज में. और जितना ऑफिस में एक मतलब हाई ग्रेड के ऑफिसर है लेकिन ऑफिस जाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है. काम करना और डिसीजन करना हर चीज के बारे में. ओके और रिसेंटली घर में कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज हुई उनकी लाइफ में जिसकी वजह से हुआ उनको? इनको ऑलमोस्ट 2 years पहले हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था. स्टंट डले थे. Okay. उसके साथ आहिस्ता इनका मतलब 6 months पहले से ये डायग्नोज हुआ. चले ठीक है वी गॉट इट. हम आपको आंसर करते हैं. ठीक है थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अच्छा डॉक्टर साहब वो एक छोटे से ब्रेक का वक्त है ना. श्योर छोटे से ब्रेक के व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा. विल बी राइट बैक.